I'm Amita Balachandra. On the big story, it's been more than a week now and garbage woes of the national capital refuse to end. What started as a strike a couple of days has now turned into a public health crisis. In the latest development, a concerted effort by the three municipal corporations to broker peace with striking unions hit a wall on Friday. Union leaders refused to back off and said they will strike work until the civic bodies clear their pending arrears. Deepa Rana gets us more details. Sir, आप लोग का मीटिंग भी हो गया अभी अथॉरिटी के साथ. अथॉरिटी ने आपको बताया भी है सैलरीज और एरियर्स के बारे में, फिर भी आप लोग स्ट्राइक कॉल ऑफ क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहली बात तो जो हमारी दो सैलरी देने का इन्होंने काम करा, बड़ा अच्छा करा, और अभी तक हमारा बकाया भुगतान, बहुत भुगतान है, और इस भुगतान सैलरी से हम संतुष्ट नहीं है. हमारा बहुत पैसा इतना पड़ा है इनके पास कि जो हम अगर ले लें तो कभी बेटियों की शादी कर लेंगे, भाइयों की शादी कर लेंगे, बीमारियों का इलाज कर लेंगे, अपने घर मकान का मरम्मत कर लेंगे. सब झूठ बोलते हैं. ये सैलरी तो हमारी धरोहर है जो हमें मिलनी थी. लेकिन आप लोगों की वजह से जो दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, सब जगह पे कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है. एक हफ्ता आप लोगों को डिमांड करते हुए हो गया. हावेवर आप लोगों की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा देना है, EDMC को 580 करोड़ देना है. जी हाँ, 580 करोड़ रुपया देना है. उसे काफ़ी हमारा जो लाभांश रुके हुए हैं, लाभांश भी नहीं है. मैं आपको बताऊँ, ये हमारे लाभांश नहीं है. जो 2003 और 4 से माने गए हैं ना, वो हमारे करे हुए काम करे हुए का तनख्वाहों का वो एरियल है, ये वो नहीं है. और जो हम दिल्ली की जनता से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा कि हम, क्योंकि देखो अगर हम तोड़फोड़ करेंगे तो हमारी ही संपत्ति को नुकसान होगा, वो फिर ठीक नहीं होगा. क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस क्षेत्र वासी हैं, तो हम अपने को किसी को नुकसान ना करके सिर्फ कूड़ा फैला देते हैं ताकि भाई हम अपना रोष व्यक्त करें. अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब हम दो कल से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जब तक हमारी ये मांग डिमांडें पूरी नहीं होंगी तब तक ये भूख हड़ताल यूं ही जारी रहेगी और किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन इस बार अपने ये सब लाभांश लेके रहेंगे. नहीं, छठी स्ट्राइक है, और हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि भाई एक महीने बाद, दो महीने बाद आपको दे दिया जाएगा पैसा. जो आपका बकाया हुआ एरियर है, मेडिकल कैशलेस कार्ड है, हमारे कर्मचारी बीमारी से मर जाते हैं और उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं होता. जो हम पैसा लगाते हैं अपनी जेब से, वो भी पैसा हमको वापस नहीं दिया जाता, वो भी डिमांड में रहता है. उसे भी कम से कम ऐसे कितने बिल पड़े होंगे, जो 3-3 साल से मेडिकल कैशलेस के जो बिल पड़े हमारे, आज तक हमें नहीं मिल पाए. सो द सैनिटेशन वर्कर्स, एटलीस्ट 300 सैनिटेशन वर्कर्स अंडर द स्वच्छता कर्मचारी अभियान हैव कंटिन्यूड देयर स्ट्राइक इवन फॉर वन वीक हैज पास्ड. And they are saying that apart from their salaries, their arrears are not being paid. A section of them have also sat on an indefinite hunger strike till the time their demands have been met. We also spoke to the authorities, who tell us that it is the budget time and the EDMC is going through a budget deficit. The Delhi government owes them 582 crores, which is the fund which has not been released to them, and that is why they are unable to pay the arrears. And on the big story, we're joined in by Shashi Bala Ujjainwal, MCD Women's Wing State Head, who is also part of the strike, and she's been on a hunger strike for the past 2 days. Shashi Bala ji, aap pehle ye bataiye mujhe, ye hunger strike jo aap abhi kar rahe ho, wo indefinite hoga, aapki kya demands hai? Hamari demand ye hai ki jo 2013 aur 14 se jo in karmchari ko permanent kiya gaya uska paisa, जैसे कि मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी दीपा मैम को बताया था कि ये हमारा एरियल नहीं है, ये हमारा सिर्फ जो काम किया हुआ पैसा 2004 और 3 से जो हमने तनख्वाह काम किया है, ये उसका पैसा है. तो ये वो एक वो हो गया. दूसरा कैशलेस कार्ड हो गया, क्योंकि हमारे कर्मचारी गंदगी में काम करते हैं और कूड़े के ढेर पे काम करते हैं, जिसमें महामारी ना फैले, इसलिए हम दिल्ली वालों को बचा के खुद चाहे बीमारी में, जो ना आधे से ज्यादा हमारे कर्मचारियों की मृत्यु बीमारियों के कारण होती है, और हमारे हमें कोई भी किसी तरह की कोई कैशलेस सुविधा नहीं है. एक वो हो गया. दूसरा, हमारे बच्चों की ट्यूशन की फीस, जहाँ सभी सरकारें ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ना बेटा पढ़ रहा है ना बेटी पढ़ पा रही है. 2 साल से हमारे सफाई कर्मचारी दिल्ली सड़कों पर हैं और रोज लड़ लड़के, कई कई दिनों तक हम लड़ लड़के धरना प्रदर्शन कर करके एक एक सैलरी लेते हैं. जैसे कि अभी झूठ फैलाया जा रहा है हमारी MCD की तरफ से कि हमने सैलरी दे दी है.
आप मैम मुझे एक नंबर दीजिए, मैं अभी आपको मैसेज करा दी, आपके उसी नंबर पे मैसेज कराती हूँ कि 3 महीने की सैलरी होते हुए सिर्फ एक सैलरी भेजी गई है और कह रहे हैं कि हमने सैलरी दे दीजिए। आप बताइए मैम, 3 महीने का इकट्ठा करने के बाद एक सैलरी दे दी, उसके बाद कहते हैं कि हड़ताल खत्म कर दो, फिर अगले महीने फिर हमें जो ना इसी तरह सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसलिए हम इस बार हमने मन बना लिया है, ठान लिया है, जो भी हो। तो आपका कहना ये मतलब है कि अगर आपको बाकी का सैलरी दिया जाएगा तो आप स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे? नहीं मैम, क्योंकि इस बार क्या था, जब हमारे अधिकारियों से बात चल रही थी तो हमने उन्हें कहा था कि आप फिर ये पैसा सैलरी हमारी इकट्ठी कर रहे हो, अगर आप फिर सैलरी करोगे, एक सैलरी दोगे, अगर इस बार हमने हड़ताल की ना तो एक सैलरी पे आपका पीछा छूटने वाला नहीं है, फिर हम सारे लाभांश लेंगे। इनको कह कह के 4-5 बार हमने इन लोगों को जा जाके कहा कि कम से कम सैलरी टाइम से देते रहो, सैलरी टाइम से देते रहो, लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि इनको पता है 2 साल से यही कहते आ रहे हैं, 3 महीने की इकट्ठी करो, 1 महीने की सैलरी दे दो, उसके बाद बात खत्म। तो अच्छा, आप ये भी बता दीजिए, क्या यही एक तरीका है स्ट्राइक करना कि सारा गार्बेज जो है वो दिल्ली के स्ट्रीट्स में है अभी, जिसकी वजह से कॉमन मैन को प्रॉब्लम हो रही है? जी जी बिल्कुल ठीक कहा। हम इसके अलावा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं और हमसे ज्यादा आप समझ सकते हैं, हम देश इस क्षेत्रवासी हैं, हम देशवासी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, हम अपनी किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। अभी आपने देखा होगा कि जाटों का आंदोलन हुआ था, कितने करोड़ का नुकसान किया, क्या हमारे किसी ने कर्मचारी ने किसी को नुकसान किया या किसी को क्षति पहुंचाई? हमारे पास एक यही रास्ता है, क्योंकि इसके अलावा बताइए क्या करें। अगर मान लो सफाई होती रहे, हम करते रहे 3 महीने तक करते रहे ना, उसके बाद हमने जब इकट्ठे हो गए, अच्छा, कूड़ा फैलाया तो एक कूड़ा फैलाया तो आपने कहा कि रास्ता आप मुझे बताएंगे आज इस अच्छा चैनल के माध्यम से कि इसके अलावा हम कैसे करें जिससे कि हमें कंटिन्यू सैलरी मिलती रहे। अच्छा शशि बाला जी, प्लीज स्टे विद अस, वी आल्सो हैव आशीष सूद ऑफ द बीजेपी जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। मिस्टर सूद, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस नाउ, द आप गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हैज सेड, केजरीवाल सीएम केजरीवाल हैज सेड इन अ ट्वीट that BJP is playing dirty politics here. The MCD is of course saying that the funds have not been released yet. Who is to blame here? Look, first of all, the dirty politics is being played by the Aam Aadmi Party government because they want to show BJP in a bad position, in a bad position, in a bad state of affairs, so that they gain mileage in the other states, so that they can nurse their political ambitions in the other states. As far as the allegations that they have paid our money and they have paid all the dues, look, de facto, the Delhi government rules the municipal corporations through the commissioner local bodies. And in the Constitution of India has made provisions wherein the share of money is decided. How it has to be decided has also been decided by the Constitution. That is why these finance commissions in the state and the center are framed. The state of Delhi, the Delhi government has framed the third finance commission and the fourth finance commission. What are the recommendations? They can be checked out in any open platform, whether the media, whether that they can be, we are open for a debate. And the recommendations that were made and the money which has been paid is on records. But Mr. Sood, let me complete my point. Sure, go ahead. Is it not the responsibility of the state government to provide money from the taxpayers' money for their service? Have you seen any other state government creeping, fighting for the payment of payment to its local bodies? None of the state governments except this Delhi government can be seen on this. But Mr. Sood, the AAP government has of course said that they have released maximum funds to the corporations. Look, Aam Aadmi Party people, they are also elected representatives and we are also elected representatives. And we are saying, let them come out with the facts. Let them come out with the recommendations and what has been paid, and we will come, our officers will also come. So, na khata na wahi jo Kejriwal kahe wo sahi.
This way, this is not the way how the state, the government and the civic bodies have to function. Also, fifth tell finance me this. Commission, fifth finance, fourth finance commission, which was constituted by Delhi government, whose recommendations have been accepted by this present incumbent government also, has categorically stated that East Delhi has areas where revenues cannot be increased. Hence, the recommendations of the fourth finance commission, the East Delhi gets the maximum share from the Delhi government, which is released by the Delhi government, and which amounts to around 4,900 crores. This is an open secret. You call your experts, ask them to bring the reports. You can debate, deliberate on the reports on your channel. Okay. Mr. Sood, also tell me this. We know that BJP councillors today went and protested outside the CM's office. Tell us what transpired there. Look, we had gone to the CM residence because CM of Delhi never meets any of the public representatives. There are 7 member parliaments of Delhi who have won for more than 1,50,000 votes each. Neither the CM nor any of the ministers have answered their calls for last 2 years. They have been seeking appointments for the development of their areas. They don't respond. So we are, and our mayors, our standing committee chairmen, our leaders of the house, they want to meet the CM, they want to meet the deputy CM, but they are absconding, nursing their political ambitions in the other states. So we had no options. How can they are spending 526 crores on advertisements. They release advertisements against us. Okay. We have no other way but to protest and let the people of the city know why this mess is being created. Okay, do stay with us. Prerna Singh of the Congress Party also joins us on the phone line. Ms. Singh, tell me this. At this point in time, the BJP, of course, says that they don't have enough funds and they demand the state government to release funds. And the state government, on the other hand, says they've released maximum funds. Who is to blame here? To be blamed here? Because at this point in time, the common man is suffering, really. Also, tell me this. This problem has been on for nearly 5 years now. See, whatever arguments my colleague Mr. Sood was giving regarding lack of funds, regarding the finance commission, I would agree to all of that. But the point is, BJP has been in power in NCD for almost 10 years now. And they are in power in the center for more than 2.5 years. Why are they failing again and again in giving the salaries to the Safai Karamcharis? Why have they not taken any corrective action till now? Mr. Kejriwal's attitude has been like this since the very beginning. So they should have had another plan to at least make sure that the basic amenities are not getting affected. Mr. Sood, what's your rebuttal to that? Look, I would like to inform Ms. Prerna Singh that none of the central government ever releases money directly to the civic bodies. In 1998 or 1999, when the NDA 1 was in power, and Sri Anand Kumar was the UD minister, there was a lack of fund. 100 crores were released by center, but it was released via the then state government, Mrs. Sheila Dixit's government. So we agree that the problems are there that have to be solved, but barely alleging that BJP and center are not working for the political motives will not serve the purpose. We are all Delhiites, whether it is Congress, no matter what arguments you give, the fact and the reality is Delhi is filled with garbage and the Safai Karamcharis are not getting paid even their salaries on time. Because you people trifurcated the municipalities for your own petty political interest. It's gone. You very well knew that Delhi, what have you done?
to correct the issues. Mr. Sood, please talk about the corrective actions or the proactive actions by your government. You cannot just keep blaming Congress government and other government. Please hang on. One second. The problem with the Congress people these days are... Okay. Let's listen in to Shashi Bala, who is a representative of the sanitation workers. Ma'am, aap ye bataiye, aapko kitni dikkat ho rahi hai? मैं अपनी कांग्रेस की बहन के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ. ये सारा किया कराया तो सिर्फ कांग्रेस का ही है. कांग्रेस का इसलिए क्योंकि जब शीला जी ने तीन भाग किए थे तो इसको तीन डिवाइडों में जब बांटा था तो उसके बाद शीला जी ने एक ऑर्डर भी साथ करवा लिए थे कि इसको कमांड दिल्ली सरकार ही करेगी. जब जब हम सड़कों पे उतरते हैं तो दिल्ली सरकार तभी ये पैसा देती है. करा कराया तो ये कांग्रेस का ही है. ये मेरी बहन ज्यादा वो ना बताए, हमें सब पता है. और रही सही कसर जो ना केजरीवाल ने पूरी कर दी, क्योंकि जब सड़कों पर उतरते हैं तो वो भी पैसा दे देता है. उससे पहले ये नहीं कहता शशि बाला जी. लेकिन अभी तो शशि बाला जी, लेकिन अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं है. आपको भी अच्छी तरह पता है कि तीन भाग करने से पहले क्या सोचा था कि पूर्वी दिल्ली का इनका सबका रेवेन्यू कितना कितना क्या क्या है. और आपको पता है आज ये पड़पड़गंज की जो बिल्डिंग में आपने बैठा रखा है, बताता हूँ क्या रेवेन्यू है. ओके, प्रेरणा सिंह जी को भी गांठ में इस बात को बांधना चाहिए. जब ट्राइफर्केशन किया गया था तो टोटल जो कॉरपोरेशन का रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसका 14% ईस्ट दिल्ली में इकट्ठा होता था और टोटल कॉरपोरेशन का 26% खर्चा जो होता था उसका 26% खर्चा ईस्ट दिल्ली में होता था. तो श्रीमती शीला दीक्षित को उसी दिन पता था कि ईस्ट दिल्ली घाटे में जाएगी. उसके लिए प्रोविजन किए बिना आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कि जाते जाते कोई तो एक निगम हमें मिल जाए, जनता ने उसे भी नकार दिया. तीन साल 36 महीने आप लोग ये चीजों को ठीक नहीं कर पाए. 36 महीने आप लोगों को लग गए समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है. और आप गंद साफ कर रहे हैं, कर्मचारियों को संभाल नहीं लगेगा. आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग सत्ता में हैं. अरे हम लोग तो सत्ता में हैं. 36 महीने आप लोगों को कितना समय चाहिए कि आप सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाए. कोई आपके इन आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करेगा. देंगे हमें आप थोड़ी ना देंगे. आप कुछ भी होता है आप लोग तो ब्लेम करने लगते हैं. केवल इल्जाम लगाएंगे. चुनाव से पहले आपने क्या बता दिया था लोगों को कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे चुनाव के बाद. उससे पहले तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे. आप पेंशन भी बढ़ाना चाह रहे हैं. आप और भी पता नहीं लगाने वाले थे क्या. चुनाव से पहले आपको नहीं पता था हो गया है. स्वागत है आपके. आप बता रहे थे चुनावों से पहले अपने मैनिफेस्टो में कि हम 5 साल कोई काम नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं आपने लोगों को बताया उस समय? क्यों आपको बड़े बड़े लोगों से वादे किए? ओके. आप शीला दीक्षित जी को कोस रहे हैं. अपनी नाकामियों को छुपाइए मत. मिस्टर सूद, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग. मिस्टर सूद, आप ये बताइए मुझे अभी, इज देयर सम वे दैट यू आर गोइंग टू ट्राई एंड ब्रोकर पीस विथ the state government, considering the BJP still states that they don't have enough funds and the state government has not released enough funds? We are rigorously following it up with the state government. That they should release our dues, number one. Number two, if they don't release our funds, we are exploring other possibilities also, which very soon will come out and explain it to the people of Delhi. But in the meantime, Mr. Sood, there is garbage on Delhi streets at this point in time, and common people of Delhi are suffering. So what is the government going to do about that? For last 2 days, we have already deployed a private concessioner, and we are running around 40 private trucks and 40 other corporation trucks to clean this the garbage. Every day around 600 metric tons of the old garbage is being lifted. We are very concerned about the state of affairs in East Delhi and the health hazards which may spur up because of this. We are seriously working upon it. And the other municipalities, if need be, other municipalities will also help with their resources to clean up East Delhi. Is there a meeting of sorts that's lined up with the state government at this point in time?
What is the road ahead? We are trying to line up a meeting, but we are not able to understand whether that meeting will happen in Goa or in Punjab. Mr. Sood, also tell me this now, considering you've gone ahead and said that you don't have enough funds, the mayor also on Magic Bricks Now said that there is no meeting lined up, that they will now depend on the court to decide. Is that your stand as well? No, we will explore even if the help of the courts have to be taken. We will, for the interest, to safeguard the interest of the people of Delhi, we will take every step, every remorse, we will take every step to safeguard their interest. And we are seriously trying to find out where we should go and meet Mr. Kejriwal. And we are looking whether he will meet us in Punjab or in Goa. Okay, Ms. Singh, please, your comments on what Mr. Sood just said. See, you know, all these steps or all these corrective actions which she's just speaking about are not looking very encouraging. And what we want, that, you know, we should just get above the politics, we should all just get above the party politics and make sure that these Safai Karamcharis are being paid. We just can't keep crying about the policies and the rules and the regulations. We have to go beyond that. We have to think beyond that. And let us make sure that at least, you know, these people are being paid. And Delhi is, at least what we can do is, least we can do is maintain the sanitation of the Delhi city, because it is the capital of the country. Okay. We are joined in by Satya Sharma, EDMC Mayor. Ms. Sharma, thank you so much for joining us here on Magic Bricks Now. Abhi aap bataiye clearly, abhi आगे जाके आप क्या करने वाले हैं? आज तो आपने स्ट्राइक किया, लेकिन वो उससे कुछ हुआ नहीं, उससे अभी कोई रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन अभी हमारी जो ये यूनियन बैठी है स्ट्राइक पर, इनके हेड से बात हुई है और वो उन्होंने विश्वास दिलाया, हमने उनकी सभी जो कंडीशन जो थी नेक्स्ट वो हमने मान ली है, और उन्होंने भी यही कहा है कि वो कल से स्ट्राइक को खत्म करेंगे। ओके, आप ये भी बता दीजिए, आगे जाके कुछ मीटिंग होगा इसके बारे में, आप फिर से ट्राई करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के लिए? मैम, मैं लगातार ट्राई कर रही हूँ, ना तो यहाँ पर सीएम है और ना ही डिप्टी सीएम दिल्ली में है, वो इस समय पंजाब में घूम रहे हैं, और क्योंकि मेरे को मेरे कर्मचारियों का बार बार नोटिस मिल रहा है कि वो मैम नेक्स्ट जब सैलरी नहीं आएगी फिर हमें स्ट्राइक पे जाने पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी हम लोगों ने आज केजरीवाल के घर पर प्रोटेस्ट किया है, अभी देखिए उसके रिजल्ट क्या आते हैं। Right, EDMC Mayor telling us there that they will continue to try and talk to the state government. Thank you so much for joining us here on Magic Bricks Now. Shashi Balaji, aapki closing comments chahiye mujhe. Aap bataiye, aage jaake aap hunger strike continue karenge, aapki demand agar puri nahi hogi to? Ma'am, aisa hai ki bataiye, wahi wali baat hai, hum bade shanti priya wale vyakti hain. हम किसी ना खुद कोशिश करेंगे खुद को भी नुकसान ना हो सामने वाले को, लेकिन भूख हड़ताल से ज्यादा क्या करें, या तो फिर एक ही रास्ता बताए कि आत्मदाह करें तभी होगा, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने मेयर साहब के ने कहा कि वो हड़ताल खत्म कर देंगे, तो मैं बताऊं आपको, आप मुझे, मैं पहले भी मैंने कहा मुझे एक नंबर दीजिए, मैं आपको ये, इन्होंने ये कहा कि सैलरी मिल गई, सिर्फ एक महीने की सैलरी मिली है, मैं आपको उस नंबर पे मैसेज कर दूंगी, जब फिर उसके बाद ये जितने झूठ बोल रहे हैं इन सबको दिखा दीजिएगा कि 3 महीने की सैलरी रोक के 1 महीने की सैलरी देने पर ये कैसे हड़ताल को खत्म करा देंगे। दूसरा कहा कि भाई उसके हंगर स्ट्राइक नहीं है, भूख हड़ताल चल रही है, मैं कल 3 बजे से भूख हड़ताल पे हूँ, मैं सिर्फ पानी लिया है, मैंने एक अन्न का दाना नहीं किया, चाहो तो मेरी डॉक्टरी करा लो, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, अभी जो ना कर्मचारियों की जो ना पेट की और रोजी रोटी से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी हो, फिर वही होगा, अंत में नहीं मानेंगे तो बिल्कुल आत्मदाह करेंगे, और रही अपने हक के लेने के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि ये तीनों सरकार कोई ना किसी की जब तक कुर्बानी नहीं लेंगी उससे पहले ये नहीं मानेगी। ओके, सैनिटेशन वर्कर्स दे आर क्राइंग फाउल ओवर dirty politics in the national capital. Now, something that we'll keep a very close watch on Magic Bricks Now has been bringing this issue up endlessly over the last few days.
Here are the developments that have happened. The BJP and the AAP governments continue to play politics. Sanitation workers refuse to call off their strike and Delhi streets are a big mess. But the most affected in the story is a common man like you and me who have to suffer for no reason. We're going to continue to try and get answers from the government. But for now, we've run out of time on the show. Stay with Magic Bricks now. You can watch live TV on our website mbnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at Magic Bricks Now. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.